जनपद प्रयागराज के कई प्रमुख चौराहों पर कपड़े की कंपनी ने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, जिसमें कुछ महिलाएं अर्धनग्न अवस्था में दिख रही हैं, जिसका राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता को आहत करने वाली होर्डिंग को कंपनी द्वारा हटाया जाए, नहीं तो सड़कों पर इसका विरोध होगा। यह बातें राष्ट्रीय हिंदू संगठन के पदाधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान की गई। इस वार्ता में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हिंदू संगठन नव युवकों द्वारा संचालित धार्मिक आध्यात्मिक सेवा संगठन है, जो हिंदू धर्म के उत्थान, समाज में व्याप्त कुरीतियों और अराजकता के विरोध में सदैव से मुकर आंदोलन करता आया है। संगठन की स्थापना 30 सितंबर 2013 को प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के समक्ष हुई थी। वर्तमान में संगठन देश भर के 300 से अधिक जिलों में लगभग सभी प्रांतों के अपने ढांचे के साथ मजबूत है। इस संगठन के देश भर में 40 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य हैं। आगामी 30 सितंबर को संगठन अपने 10वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस अवसर पर संगठन द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन एवं दशम स्थापना दिवस प्रयागराज में आयोजित करने जा रहा है, जिसमें देश के नामचीन कवियों का आना निर्धारित है। निगम की महापौर की जानकारी में ऐसी होल्डिंग्स को लगवाया गया है, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय हिंदू संगठन के हिंदू सैनिक नगर निगम की महापौर का भी विरोध करेंगे और उन लगवाने वाली कंपनीज का तो इस टाइप का विरोध होगा कि उस कंपनी को अपनी 7 पुश्तें याद आ जाएंगी। चूंकि भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ राष्ट्रीय हिंदू संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। यह राष्ट्रीय हिंदू संगठन का इतिहास भी रहा है कि न तो हिंदू सैनिक जेल जाने से डरते हैं, न तो मुकदमों से डरते हैं। चंद्रिका पांडे सोनू, संगठन मंत्री, राष्ट्रीय हिंदू संगठन। का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन आगामी 30 तारीख को अपने 10वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और 10वां वर्ष किसी भी संस्था के लिए ये गौरव की बात होती है कि संस्था अपने 10वें वर्ष में प्रवेश करे, इसलिए ये कार्यक्रम बहुत अभूतपूर्व होने जा रहा है। जिले के अंदर एक इतिहास बनने जा रहा है। लगभग 10,000 की संख्या में वहाँ पर लोगों की आने की संभावना है, जिसमें से 1200 के लोग डेलीगेट्स के तौर पर देश भर से आ रहे हैं। उड़ीसा से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सारे देश के कोने कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं। उनके रुकने की, उनके आवागमन की, उनके भोजन की लगभग 3 दिनों की व्यवस्था प्रयागराज में राष्ट्रीय हिंदू संगठन कर रहा है। कार्यक्रम जॉर्ज टाउन क्लब मैदान पर होने जा रहा है। वहाँ पर तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी हैं और कल से अतिथियों का आना प्रारंभ हो जाएगा। सारांश निगम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय हिंदू संगठन। We'll be right back.